अनकही अनसुनी कहानियां जानिए गाज न्यूज के संग। मैं मार्किंग और आप देख रहे हैं गाज टीवी। आज असेंबली में 10 रुपनी काबिना उठाई ने हल्प ले लिया है। वही जो पुराने चेहरे पुरानी करप्शन कहानियां वही चेहरे, जबकि सरकार के अरबाब शहजादों को मिनिस्ट्री के नाम पर ले बदीन लेकर जुल्फ मिर्जा खानदान से मुकाबला कराने के लिए मिनिस्ट्री देने के नाम पर लालीपाप दे के खामोश करा दिया गया। जो सिंध काबिना की 10 रुकनी कमेटी है उसमें सिर्फ दो से तीन जो मुशीर हैं वो नए हैं, बाकी सारे वही पुराने हैं, जिसमें जो करप्शन के बादशाह तस्वर किए जाते हैं, एजुकेशन हो या कल्चर हो या जो जो माजी की पिछली जो दौर हुकूमत में जो एजुकेशन हेल्थ इरीगेशन वही हैं। इस मरतबा ये हुआ है, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि हमेशा इरीगेशन के जो अख्तियार होते थे मिनिस्टर कोई भी होता था, लेकिन जो काम चलाता था वो अली खान जरदारी था, तो इस मरतबा अली खान जरदारी को मिनिस्टर बनाया गया है। जबकि ज़ियासुल लंजार, सरदार शाह, नासिर शाह, सईद गनी, सरदार महमूद बख्श मेहर साहब समेत वो मोस्टली वही चेहरे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से 10 साल से सिंध में मिनिस्ट्री में रहे हैं और करप्शन का नाम रिकॉर्ड कायम किए हैं। हम अगर किसी मुकमे में जाए को तो एजुकेशन के हवाले से सरदार शाह साहब का एक ज़माना था जो बेंचें खरीद की गई, वो एक बेंच 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तक एक बेंच खरीदी गई थी। और इसके अलावा जो आप अंदाज़ा करें कि प्राइमरी टीचर या कोई उस्ताद है उसकी बदली भी सिंध सेक्रेटरी से होती है, उसका सिर्फ सिर्फ एक मकसद होता है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या जो भी मामलात हैं वो नीचे होने के बजाय उस्ताद परेशानी से बचने के लिए कराची कोई जो काचू से आया है, कोई लाड़का ना जैकबाबाद सखर से कोई टीचर है जिसकी तनख्वाह 50 से 60 हज़ार लाख रुपये बता दें हम, ठीक है एजुकेशन में कहा यह जा रहा है कि तनख्वाहें अच्छी की गई हैं, लेकिन जो बदली के लिए एक उस्ताद है खसूस ख़वातीन उस्ताद जो है टीचर्स जो हैं वो अगर सखर की टीचर आती है कराची आती है तो उसको एक दिन या जो चक्कर पे चक्कर होता है सेक्रेटरीट में चक्कर पे चक्कर होता है करप्शन बटोरने के लिए पैसे बटोरने के लिए जो उस्तादों को चक्कर दिलाए जाते हैं। तो इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, जो भी डिपार्टमेंट में कल्चर डिपार्टमेंट में हो, तो माजी का ये है कि रिकॉर्ड करप्शन किए गए तरक्याती कामों के नाम पर सारी रकमें हड़प की गई हैं। तो अपने सरदार शाह साहब हो तो अपनी हेल्थ में हो, हेल्थ में तो ये है को एक आधा इदारा अच्छा तो बन गया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दिल का हॉस्पिटल एक चैन बनाई गई है वो बिल्कुल उसमें कोई इलाज कुछ अच्छा हो निस्बतन दूसरी जगहों से अच्छा हो रहा है, लेकिन वहाँ करप्शन का वहाँ भी उरूज है। आप जना हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो या सक्कर या गंबट गम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ भी जो किडनी के ऑपरेशन और गुर्दों का ऑपरेशन होते हैं तो वहाँ लाखों लाखों की करोड़ों की करप्शन होती है। गम्स के हवाले से तो ये भी कहा कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने दिल के खसूसन दिल के अमराज के हवाले से या गुर्दों के या अपना जिगर के जो ट्रांसप्लांटेशन के मामले हैं वो उसने कहा, गम्स के हवाले से उनका कहना है कि उनकी वो अस्पताल है जहाँ आलमी लेवल का काम होता है और फ्री फ्रा होता है, जबकि हमने उस पर बींग जर्नलिस्ट हमने बहुत सारी स्टूडेंट दी और करप्शन का ये उरूज है कि लोकल सिपाही भी लोकल नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी जो अस्पताल में सिक्योरिटी अमला है वो भी पंजाब से लिया गया, पंजाब से एक फरार किया हुआ डॉक्टर जो है वो वहाँ बिल्कुल मस्ती से सारे चल रहा है, जो उसकी दिल कहती है जितनी कीमतें वसूल करते हैं इलाज के नाम पर जो जिस जितने चार्जेस होते हैं वो होती है और दवाई के मद में और दूसरी जगह में करप्शन का आला दर्जे की करप्शन की जाती है। इसी तरह एम डी कैट जो के जो बच्चों के जो मेडिकल के टेस्टें थी उसमें रिकॉर्ड करप्शन 2-3 मरतबा वो जो हमने देखा और मीडिया में भी ये मामले आए कि 2-3 दफ़ा जो टेस्टें हुई वो टेस्ट जाने से पहले वो हो अपना रिजल्ट आउट होने से पहले
पढ़ते आउट हो जाते थे। तो इसी तरह जो जो जिस जहाँ भी जाओ, एजुकेशन सिस्टम हो, एरीगेशन हो, जहाँ भी देखें कि वो अपने जो है करप्शन का उरूज होता ही हो रहा है, तो मिनिस्टर जो हैं उनको वही वही डिपार्टमेंट अलाट किए जाते हैं। मतलब मसलन सर पिछली दौर में सरदार शाह साहब को एजुकेशन की मिनिस्ट्री थी, इसी तरह से शर्जील इनाम मेमन के तो करप्शन के हवाले से जेल काट के आए हैं। तो वो उसके हवाले से जो हम इंफॉर्मेशन में उसकी जितनी 5 से 8 अरब की करप्शन थी, जिसमें वो पिछले दौर में जेल में रहे हैं, और कुछ अफसरान जो इंफॉर्मेशन के अफसरान थे वो सारे जेल में रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो ही हम जो मिनिस्टर हैं वो अपने मनपसंद अफसरान जो उसको हिस्सा देते हैं, पूरा पूरा हिस्सा देते करप्शन करके बिल बांट के खाने वाली टीम बनी हुई है, हर मिनिस्ट्री की अपनी टीम बनी हुई है। तो और वो टीम का मकसद सिर्फ ही सिर्फ ये कोई तरक्याती काम जो होता है करना, या किसी के अच्छे के लिए काम करने के बजाय वो करप्शन के लिए एक टीम बनी हुई है। ये जरूर ये होना चाहिए कि किसी काम अच्छे काम करने के लिए टीम होनी चाहिए, हम इसी के खिलाफ नहीं है कि टीम नहीं होनी चाहिए। टीम टीम के सिवा जाहिर है कोई बंदा जो जो मिजाज मिलते हैं, टीम मिलती है तो काम ऐसे होता है जो जहन और चीज़ें जो मिलती हैं, जाहिर है काम करने के लिए ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग वाली टीम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा सिंध हुकूमत की जानब से ऐसा होता है कि वो जो टीम है अंडरस्टैंडिंग के बजाय वो टीम जो भी है उसका असल काम यह है कि वो करप्शन के लिए, जैसे करप्शन होने के बाद उसको पूरा पूरा हिस्सा मिनिस्टर को परिवर्तन आता है। हम किसी भी पॉपुलेशन से जिसकी भी मिनिस्ट्री का हम देखें और रिकॉर्ड खोल के देखें हमें, तो एरीगेशन हो, अपना जो वर्क्स एंड सर्विस हो, इंफॉर्मेशन हो, जो भी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अपना जो 50,000 acres ज़मीन जो अलाट की गई है वो जो उनकी हमने ये देखा है जो छोटे छोटे मुलाजमे हो बड़े करोड़ों अरबों रुपये के करप्शन के बैठे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह कल्चर के हवाले से भी एक रिकॉर्ड हमने हमारे सामने पड़ा है। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जब मैन्युफैक्चरिंग लेता तो वो जो जब इलेक्शन में जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन कैंपेन जो जा रहे चल रही थी, तब जरदारी साहब खूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एतमाद से बड़े पूरा एतमाद होकर वो अपने कैंपेन चला रहे थे, और सिंध के तरक्याती के हवाले से सिंध में घर बनाने के लिए जो सैलाब मुतासर इलाकों में वहाँ घर बना देने के समय मुख्तलिफ ऐलान तो किए थे, लेकिन अभी तक वो वहाँ हुआ रुके हुए। अब महंगाई का आलम देखें, दवाई या तसव्वुर करें कि कटाई की मौसम आ रही है, गंदम अभी तक पड़ी है और गंदम अचानक गायब हो गई है। ये मीडिया में एक चली है, बहुत सारे मीडिया में ये खबरें चली है कि गंदम कैसे चोरी हो गई, कैसे फूड डिपार्टमेंट तो अपनी मर्जी से जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ फूड डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है। तो हम इस उससे पहले भी इस हवाले से अपने विलाक्स करते आए हैं, लेकिन अब हम ये जो करप्शन का सिलसिला है, ज़ाहिर वही मिनिस्टर आए हैं, वही पुराने चेहरे हैं, और वो अपनी टीम बुलाकर अपने मुख्तलिफ हिस्सों में जब का तो बैठेंगे। कल तो हलफबरदारी हो गई है, 10 रुकनी कमेटी जिसमें हमने पहले जिक्र कर चुके हैं, सरदार शाह साहब है, अपने जुल्फकार शाह साहब जो नया चेहरा है, अपना जो बाकी तो शर्जील इनाम मेमन साहब है, या जो भी हैं तकरीबन वही पुराने चेहरे हैं। ज़ियाल अंजार साहब जो है थोड़ा गैप से आया, पिछली में नहीं था, थोड़ा गैप से आया है। अली हसन जरदारी, या इन पे जिसका भी नाम लो तो उन पे करप्शन के भारी इल्ज़ाम आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। तो सिर्फ यही ना, तो हम ये जो ये करप्शन की कहानी जो है कि तो पीपल्स पार्टी का यह जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातों के जो जो लीडर थे या शख्सियात थी, उनको पीपल्स पार्टी में मिनिस्ट्रियाँ देने और अपने हिस्से में लाने के लिए उनको पीपल्स पार्टी में शामिल तो कराया गया, तो लेकिन उस जब इलेक्शन हुए काफ़ी ऐसे हैं जिनको टिकटें भी नहीं दी गई, जैसे अरबाब शहजादे हैं, उनको मिर्ज़ा ख़ानदान के मुकाबले करने के लिए बदीन लिया है, वो जीत तो गए हैं, ज़ाहिर उसके अपने वो जो अपोजिशन वो जीत गए हैं, लेकिन अभी उन तक उनको मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया।
ये इस हवाले से जरा का ये कहना है कि वो जो अरबाब शहजादे हैं उनका ख्याल है, अरबाब लुत्फ और दीगर जो है एहसान है उनका कहना है कि उनके साथ बिट्रे किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि तो उनको मिनिस्ट्री में कहीं एडजस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता। लेकिन इस मतबा ये हमने ये जो कह रहे हैं कि करप्शन के वो रिकॉर्ड टूटे हैं पिछले 20-25 सालों में, सिंध में कहीं भी अत्यधिक काम नहीं हुआ, कोई दिखने के नया में कोई का धुका काम किया होगा, वरना सैलाब के मुतासर घरों का हो या आटे से लेकर सारे मामला वो जो इतने महंगे महंगाई और गरीब बंदे जो गरीब लोग पिसते जा रहे हैं और यहाँ मिनिस्टर वो जो है करप्शन के उरूज किए गए हैं, तो हम वही कह रहे हैं कि वही चेहरे वही करप्शन की कहानियाँ हैं वो तो पता नहीं कब ख़त्म होगी। तो दोस्तों हमारा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय ज़रूर आगाह करना कमेंट्स में कि हम अपने प्रोग्राम को अपने व्लॉग शुक्र के साथ अच्छा बनाएँ। थैंक यू सो मच।